नमस्ते फ्रेंड्स, जेएसएससी डिफेंस जोन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में होने वाले बहाली प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दिस चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक कीजिए और शेयर एंड कमेंट कीजिए। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन निकालेगी और इस संदर्भ में इसकी शुरुआत हो गई है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, राजस्व विभाग में 8,249 पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े पदों 8,249 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इसमें 10% आरक्षण का भी प्रावधान है। 6 माह में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे की 10% सीटें निर्धारित होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे, जिससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आवेदन के लिए 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी दिया जा सके। आइए जानते हैं कौन से पद में कितना पोस्ट खाली है। लेखपाल में 7,019 पद खाली है। राजस्व निरीक्षक में 1,073 पदों की भर्ती होगी। वरिष्ठ सहायक में 53 और कनिष्ठ सहायक में 104 पद खाली है, जिसपे बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। आवेदन करने का भी प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिकृत वेबसाइट upssc.gov.in पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए तय शुल्क जमा करते हुए उसका चालान भी प्राप्त करना होगा। आवेदन के साथ पदवार योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र और ई चालान को भी सबमिट करना होगा। भर्तियों को लेकर तैयारी तेज हो गई है। अधीनस्थ सेवा के लिए सभी एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार हो जाए, जल्द ही यह भर्ती की जाएगी। और भी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने